सजनों की सेवा में किस्सा जान निचोड़ पेश है। यह किस्सा आपके मनोरंजन के लिए सोनोटेक कैसेट कंपनी के सौजन्य से पेश किया जा रहा है। दोस्तों, किसी समय का जिक्र है कि नर सुल्तान व जान निचोड़ जो कि दोनों जिगरी दोस्त थे, वे अपनी मुंह बोली बहन मरवन की बेटी की शादी में भात भरने के लिए नरवरगढ़ जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में आबू दरिया आ जाता है। दोनों दरिया में स्नान करने लगे तो सुल्तान ने देखा कि नदी में एक तख्ती बहती हुई आ रही है। सुल्तान ने हाथ लफाकर तख्ती को पकड़ लिया, उसको पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, मैं महक देनार अदली खा पठान की कैद में हूँ। यदि कोई हिंदू क्षत्रिय धर्म पर चलने की ताकत रखता हो, उसके हृदय में स्त्री व दीन दुखियों के प्रति दया हो, पापी कुकर्मी से घृणा करता हो, अपने लिए नहीं दूसरों की भलाई के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा सकता हो, वो मुझे अदली खां की कैद से छुड़ा ले जाए। इस प्रकार से तख्ती का यह मजमून पढ़कर सुल्तान का हृदय जनून से भर गया। नदी से बाहर आकर बड़े सोच फिकर में बैठ गया और जब जानी उससे चिंता के लिए कारण पूछता है तो सुल्तान क्या बताता है। एक नार महक दे अदली खां की कैद में पड़ी, न्यू मन सोच से बड़ी। एक नार महक दे अदली खां की कैद में पड़ी, न्यू मन सोच से बड़ी। रोवे दिन रात बिचारी, हिंदू पतिव्रता नारी, मुसलमान ने हड़ी, न्यू मन सोच से बड़ी। एक नार महक दे अदली खां की कैद में पड़ी, मन सोच से बड़ी। एक नार महक दे अदली खां की कैद में पड़ी, मन सोच से बड़ी। रोवे दिन रात बिचारी, हिंदू पतिव्रता नारी, मुसलमान ने सोच से बड़ी। हाँ लिख लिख तकती भेज रही से, ये संदेश सुना बिना जंग जो वैसे, और आंसू ते मुँह जो वैसे। रात बिना जंग जो वैसे, और आंसू ते मुँह जो वैसे। मजबून मेरे उठे घना जनून, तन में नाग सी लड़ी, न्यू मन सोच से बड़ी। एक नार महक दे अदली खां की कैद में पड़ी, न्यू मन सोच से बड़ी। एक नार महक दे अदली खां की कैद में पड़ी, न्यू मन सोच से बड़ी। Thank you.
बदला लूंगा उस अदली ते भारी जुलम कमारा से एक पतिवरता नारी का वो धर्म घटाना चारा से बस एक महीना से बाकी फिर बहू बनावे वो पापी बस एक महीना से बाकी फिर बहू बनावे वो डाकी ओ हो 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 की कर दे मरवन रो रो घर भर दे रो मैं पाटड़े खड़ी मन सोच से बड़ी एक नार महक दे अदली खान कैद में पड़ी मन सोच से बड़ी एक नार महक दे अदली खान कैद में पड़ी मन सोच से बड़ी। इस तरह से सुल्तान की बात सुनकर के अब तो जानी भी क्रोध में आ जाता है। कहता है कि दोस्त अब इस काम को तो मैं ही करूँगा, तुम तो बहन मरवन के भात भरने के लिए चले जाओ और यह काम मेरे ऊपर सौंप दो, मैं उसी तरह से इस काम को करूँगा जैसे हनुमान ने सीता जी के लिए किया। कैसे रामचंद्र ने बाली तैरू माँ की आन बचाई थी, हनुमान ने रावण ते सीता जी भी छुड़वाई थी चक न सताई द्रौपदी नारी तो लात भीम ने जब मारी की चक न सताई द्रौपदी नारी तो लात भीम ने जी मारी जो हुई न तुरंत रिहाई धर्म बिगड़े न्याई मर्द के लगे ना जड़ी मन सोच से बड़ी एक नार महक दे अदली खान कैद में पड़ी मन सोच से बड़ी एक नार महक दे अदली खान कैद में पड़ी मन सोच से बड़ी। वन ने जा रहा मैं बनू हिमाती पीने का और दुश्मन रहूं कमीने का मैं बनू हिमाती पीने का और दुश्मन रहूं कमीने का सहाई जय सिंह पे भी दुर्गे माई लावे मेहर की झड़ी मन सोच से बड़ी एक नार महक दे अदली खाती कैद में पड़ी मन सोच से बड़ी रोवे दिन रात बिचारी हिंदू पतिव्रता नारी मुसलमान ने हरी कैद में पड़ी मन सोच से बड़ी।
को चाहूं, देखूं तो तुमको देखूं, चाहूं तो तुमको चाहूं, देखूं तो तुमको देखूं, ख्वाहिश यही है दिल में दिन रात तुझको देखूं। क्या कहता है? कान फड़ा के मोढ़ा बन गया, और तन में राख रमाली, जिसके लगे वो नर जाने चोटियास की याली। कान फड़ा के मोटा बन गया, तन में राख रमाली, जिसके लगे वो नर जाने चोटियास की याली। कान फड़ा के मोटा बन गया। चिमटा और सोटा था हाथ में, चिमटा और सोटा, काना में मुंदरी पाली, जिसके लगे वो मर जाने सोटियास की यारी। कान फड़ा के मोटा बन जा, कान में राख रमाली, जिसके लगे वो मर जाने सोटियास की यारी। कान फड़ा के मोटा बन जा। आत्मा दुख पारी से, मेरी आत्मा दुख पारी से, मेरे मुंह ते लिखड़े गाली, जिसके लगे वो मर जाने छोटियास की यारी। कान फड़ा के मोटा बन गया, तन में राख रमाली, जिसके लगे वो नर जाने छोटियास की यारी। कान फड़ा के मोटा बन जा।
थाली फैल रही से दुनिया भर में फैल रही श्री लक्ष्मी चंद की प्रणाली जिसके लगे वो नर जाने जो प्यास की आई कान बड़ा का मोटा बन गया सारी कमरी काली जिसके लगे वो नर जाने जो प्यास की एक खाती के पास में जाते हैं और एक गाड़ी मांगते हैं तो खाती ने एक टूटी सी गाड़ी नरसी जी को दे दी और किसी भले आदमी से किसान से बैल मांग लिए तो बूढ़े से बैल नरसी जी को मिल गए और फिर मुंडिया बाइयों को गाड़ी में बैठाकर भजन कीर्तन करते हुए भात में चलने के लिए नरसी जी तैयार हो जाते हैं। उस समय का सारा हाल रागनी के द्वारा पेश है। बोदी गाड़ी बैल पुराने एक गोरा एक काला नहीं हाँकने आवे हमसे कौन बने गढ़ियाला बोदी गाड़ी बैल पुराने एक गोरा एक काला नहीं हाँकने कोस ना मंजिल आए सूरज चढ़ा शिखर में बैल हाँकते हार लिए हम नाहक अफर तफर में बीस को सिर सागट कहिए थक गए बैल सफर में हर नंदी खड़ी बाट लखावे भर के क्रोध कुफर में हर नंदी खड़ी बाट लखावे भर के क्रोध कुफर में बल्ला टेम लिकड़ जा भात भरण का हो जागा फिर चाला होती गाड़ी बैल पुराने एक गोरा एक काला चल देते हैं मोद
बंधे भाइयों को साथ लेकर। लेकिन दोस्तों, संकट में और संकट आ घेरता है तो अचानक रास्ते में गाड़ी टूट जाती है। याले गाड़ी टूट गई, अब कैसे इसे बनावे। मोढ़े भाई नीचे उतरे, चारों तरफ लखावे। हारे कहो राम ही मती, हर ने टेर लगावे। सुन के टेर भगत की, हरी गढ़ वाला बन के आवे। सुन के टेर भगत की, हरी गढ़ वाला बन के आवे। हाँ बिगड़े कारज वही बनावे, से सब का रखवाला। इस प्रकार से अपने भगत को संकट में देख करके अब तो भगवान कृष्ण चल देते हैं और चले आए उसी स्थान पर जहाँ नरसी जी की गाड़ी बिगड़ी हुई थी। काला चोट कंबल का ओढ़ करके और आकर के गढ़वाले का रूप धारण करके क्या कहते हैं। हाँ गढ़वाले का रूप धार, कंबल का चोट ओढ़ के। सुनी भगती टेर प्रभु आए थे भा तोड़ के। मैं थरी गाड़ी ठीक बना दूं, बोला हाथ जोड़ के। थोड़ी देर आराम करो, गाड़ी का ख्याल छोड़ के। थोड़ी देर आराम करो, गाड़ी का ख्याल छोड़ के। हाथ लगाते ही गाड़ी बन गई, काली कमली ओढ़ करके नरसी जी का गढ़वाला बन जाते हैं। कहते हैं कि लाला मैं आपको सिरसागढ़ पहुंचाऊंगा। कैसे? भला हाथ जोड़ के गाड़ी चाल पड़ा। फिर सारे भगत बैठाए, बैलों में बिजली सी बड़गी, थमते नहीं थमाए। दिन छिपने में देर घड़ी थी, सरसागढ़ पहुंचाए। अंतर ध्यान हुआ गढ़ियाला, न भेद किसी को पाए। अंतर ध्यान हुआ गढ़ियाला, राम रतन भगतों के चाहे, राम रतन भगतों के चाहे। करता मुरली वाला एक गोरा एक काला। नहीं हाथ ले आवे हमसे, गोर बन कटियारा। दिल के निशान की बात सुनते ही जाप सिंह का चेहरा मुरझा गया। कवि ने उस समय का क्या वर्णन किया है। दरबारा में, दरबारा में तिल का सुना था निशान। चेहरे की झड़गी लाली, छत
रापण की कला रे घटी जैसे मरग मारने चले गए भगवान पाछे तैसी ताठाली रावण पहुंचा पंचवटी खिलाना हो गया मुश्किल मुंह दिखलाना अरे दर मुखी दाना हो गया खास पठान पवन रेखा बनेगी ब्याहली उग्र सैन नना खबर पटी तारा बनेगी सोमवती बेईमान शेर खान बने गया बाली मुझ सुग्रीव ते प्रीत हटी इस याद राम ने दे दुर्गे बरदान आदंगल में महाकाली तेरी कल युग में कला डटी का सुना था निशान
झड़े की लाली छतरा पण की कला रे घटी सोनोटेक कैसेट्स कंपनी यूपी हरियाणा व राजस्थान में जिसके नाम की धूम मच रही है वही तो है सोनोटेक कैसेट्स कंपनी सोनोटेक कैसेट्स जिसमें आप सुनेंगे चटपटी रागनिया चटपटे रसिया व धार्मिक किस्से सोनोटेक कैसेट्स जिसके सदाबहार गायक कलाकार हैं कोशिंदर ऋषिपाल करमपाल व मंजू शर्मा साथ में सुनीता पांचाल व ब्रह्मपाल नागर की दिलकश आवाज ज्ञानेंद्र शर्मा व पंडित राम अवतार शर्मा की दमदार आवाज का जादू दोस्तों एक दिन हरिश्चंद्र राशन लेने के लिए चल पड़ा तो दुकान का रास्ता ही भूल गया अब तो भूखा प्यासा हरिश्चंद्र 28 दिन बीत गए थे और जब वह बरना नदी पर घड़ा लेकर के पानी लेने के लिए जा रहा था और घड़े में पानी भी भर लिया तो उसको उठा नहीं पाया इंतजार कर रहा था कि कोई आदमी आ जाए तो मैं उससे अपना घड़ा उठवा लूं संयोग से क्या होता है कि रामलाल पंडित के घर मदनावत रहती थी वह भी पानी लाने के लिए बरना नदी पर आ जाती है तो दूर से देख कर के हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचान लिया और क्या कहता है और घड़ा उठवाने की अर्ज किस प्रकार से करता है दया करी दोनवा पे हरने बलन्यू दर्शन पावन की कदका देखूं बाट घाट पे मानस के आवन की दया करी दोनवा पे हरने न्यू दर्शन पावन की कदका देखूं बाट घाट पे मानस के आवन की कर दे जख्म मेरे पे दवाई भर दे हाँ जख्म मेरे पे दवाई भर दे सरदा करके हिम्मत कर दे सरदा करके रे हिम्मत कर दे एक हाथ लावण की कद का देखूं बाट घाट पे मानस के आवण की दया करी दोनवा पे हरने न्यू दर्शन पावन की रे कद का देखूं बाट घाट पे मैं मानस के आवण की चूट जिगर ने खासे चिंता चूट जिगर ने खासे तेरे पति में हिम्मत ना से तेरे पति में हिम्मत ना से यो मटका ठावन की रे कद का देखूं बाट घाट पे मैं मानस के आवण की दया करी दोनवा पे हरने न्यू दर्शन पावन की कद का देखूं बाट घाट पे मैं मानस के आवण की
नहीं से चैन पड़े दिन रात नहीं से हो चैन पड़े दिन रात नहीं से घड़ाठुआ दे कोई बात नहीं से घड़ाठुआ कोई बात नहीं से बिल्कुल शर्मावन की रे कद का देखूं बाट घाट पे मानस के आवन की दया करी तो नवा पे हरने न्यू दर्शन पावन की कद का देखूं बाट घाट पे मानस के आवन की कौन ज्ञान का देवा आके पार लगा दो खेवा आके पार लगा दो खेवा श्री मान सिंह की करके सेवा मान सिंह की करके सेवा ली कार सिख गावन की कद का देखूं बाट घाट पैर मानस के आवने की दया करी दोन वापे हरने न्यू दर्शन पावन की रे कद का देखूं बाट घाट पैर मानस के आवने की। इस प्रकार से रानी पाटम दे अनेक प्रकार से विनती करके अपने पति से प्रार्थना करती है। कहती है कि प्रियतम मैं शरीर हूँ और तुम मेरी आत्मा मैं जीव हूँ और तुम मेरे प्राण मैं फूल हूँ तो तुम मेरी खुशबू तुम चांद हो तो मैं तुम्हारी चांदनी आप सूरज हैं तो मैं तुम्हारी रोशनी आप वृक्ष हैं तो मैं तुम्हारी छाया तो फिर भला मैं आपसे अलग कैसे रह सकती हूँ। लेकिन गोपीचंद समझाता है कि प्रिय जिस प्रकार से रात्रि होने पर चकवा और चकवी में अनन्य प्यार होते हुए भी एक दूसरे से अलग रहते हैं और जिस प्रकार से नदी के दो किनारे साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे से भिन्न हैं, उसी प्रकार से मैं और तुम एक दूसरे से अलग अलग दिशा में चलने वाले दो पथिक हैं और इस प्रकार से गोपीचंद अपनी पत्नी पाटम दे को समझाता हुआ क्या कहता है। पाटम दे परी रोवे मत ना गुरु जलंधर नाथ मिला मैं रल गया परम फकीरा मैं पाटम दे परी रोवे मत ना दुख लिखा तकदीरा मैं गुरु जलंधर नाथ मिला मैं रल गया परम फकीरा मैं गुरु जलंधर नाथ मिला मैं रल गया परम फकीरा मैं खुटी पे चावर लटका दे मैं पंखा ना झलवाने का सैल सपटे छोड़ दिए मन चासे भगवान बाने
जाके भिक्षा घाल दिए मैं मंगता मुट्ठी दाने का जाके भिक्षा घाल दिए मैं मंगता मुट्ठी दाने का ठाट बाट सब छोड़ दिए हाँ ठाट बाट सब छोड़ दिए जो हो से छेल अम्मी राम गुरु जलंधर नाथ मिला मैं लड़का परम भक्ति राम पाटन दे परी रोवे मतना दुखली का तकदी राम गुरु जलंधर नाथ मिला मैं दर्शन योगी सत दर्शन योगी बन के मैं काम करूं भगताई का तृष्णा सारी छोड़ चला मन प्रेम तजा खुद प्याही का दुनिया के मां जोर दिखाऊं काया भस्म रमाई का पदम सेन का बेटा सु कुछ कहन पुगा दे माई का पदम सेन का बेटा सु कुछ कहन पुगा दे माई का धारा नगरी काग बसो हाँ धारा नगरी काग बसो मैं बैठूंगा गुरु पीरा में गुरु जलंधर नाथ मिला मैं परम फकीरा में पाटन दे परी रोवे मतना दुख लिखा तकदीरा में गुरु जलंधर नाथ मिला में रड़ गया परम फकीरा में गुरु जलंधर नाथ मिला में रड़ गया परम फकीरा में धाम घूम के देखूं हरिद्वार में ना हूंगा गौमुखी बद्री नारायण लक्ष्मण झूला जाऊंगा तपू तपोवन में जाके ऋषियों के दर्शन पाऊंगा भोग कमंडल ग्रहण हस्त में कंद मूल फल खाऊंगा भोग कमंडल ग्रहण हस्त में कंद मूल फल खाऊंगा जो कुछ बनगी आगे जागी जो कुछ बनगी आगे जागी मन के पाप कबीरा में गुरु जलंधर नाथ मिला में लड़किया परम फकीरा में पाटन दे परी रोवे मतना दुख लिखा तकदीरा में गुरु जलंधर नाथ मिला में लड़किया परम फकीरा में गुरु जलंधर नाथ मिला में लड़किया परम फकीरा में हाँ लक्ष्मी चंद कहे लक्ष्मी चंद के हरे चीर सब आभूषण मन तार दिए जन बिना पति के गोरी से तू न्यू मन निश्चय धार लिए कम खा खा के कम सो सो के जोश बदन का हार लिए काम क्रोध तज ज्ञान भजन ते तृष्णा ममता मार लिए हाँ काम क्रोध तज ज्ञान भजन ते तृष्णा ममता मार लिए मत मुट्ठी भर भर रेत बगावे मुट्ठी भर भर रेत बगावे
भारत नग हीरा में जलंधर नाथ मिला मैं लड़ गया पर मैं फकीरा मैं पाटन दे परी रोवे मतना दुखली कतक दीरा मैं गुरु जलंधर नाथ मिला मैं। इस प्रकार से सजा मिलने पर जब रूप कंवर चलने को तैयार हो जाता है तो पीछे पीछे छोटा भाई बसंत भी चल दिया। जल्लाद लेकर के जा रहे हैं रूप को। बसंत रोता रोता पीछे जा रहा है। दोनों भाई क्या कह रहे हैं? चले रोते दोनों भाई कौन सुने फरियाद जहां हो हकम अन्याई हो। चले रोते दोनों भाई कौन सुने फरियाद जहां हो हकम अन्याई हो। चले रोते दोनों भाई हो। चले रोते दोनों भाई बसंत दोनों ने अपने राजकुमारों वाले वस्त्र उतार करके सभा में ही रख दिए और बहुत ही सादे कपड़ों में चलने को तैयार हो जाते हैं। कैसे भला? तन के वस्त्र तार धरे सभा बीच होला चार माता ने कर याद रो मैं दोनों बालक नोनो धार। मंत्री गण दरबारी पर जा करने लगी हाहाकार। मंत्री गण दरबारी पर जा करने लगी हाहाकार। हाथ जोड़ के करी नमस्ते पिता को नवाया सिर हिड़की देके रोवन लागे चौमा से जुबर से नीर। काट कने खून आज मौसी का रंग दो चीर। काट कने खून आज मौसी का रंग दो चीर। ओ विपत से दारुण दुखदाई हाथ जोड़ लगे कहने मारे कर्मों की कड़ाई हो। चले रोते दोनों भाई कौन सुने फरियाद जहां हो हक में अन्याई हो। चले रोते दोनों भाई अकेले मारी मेर। सारी प्रजा रोवन लगी दे दे कने ऊंची तेर। सारी प्रजा रोवन लगी दे दे कने ऊंची तेर। मौसी का कसूर नहीं कर्म की कड़ाई मारी विस्की घूट प्याई नहीं बैरन हुई दाई मारी। चिता में जब चूना फेंके मारी थी जब माई मारी। चिता में जब चूना फेंके मारी थी जब माई मारी। ओ बता जी कैके गत पाई रतनपुरी की नार देख दैया जू डकराई हो। चले रोते दोनों भाई कौन सुने फरियाद जहां हो हक में अन्याई हो। चले रोते दोनों भाई। तो रूप कंवर कहता है सब लोगों से कि आज मैं उन बातों को याद दिलाता हूँ जो कि हमें बताई गई थी कि हमारी माता ने मरते समय हमारे पिताजी से ये वचन लिया था कि दूसरी शादी मत कराना। वो जानती थी इन बातों को लेकिन मेरे पिता नहीं माने। क्या कहता है रूप? मरती बढ़िया मारी माँ ने रोक लगाई तुझे ब्याह में बचन हार। दोषी पिता काटे बोए मारे राम इसीलिए डरती थी वह उसकी सारी बात निभा में। इसीलिए डरती थी वह उसकी सारी बात निभा में। नरहत्या का दोष लगे बढ़ती पढ़ के काटे थे उससे ज्यादा दोष लगे हम भी भर के नाटे थे। कुत्ते बर की हालत हो जा
उगल के न चाटे थे, कुत्ते वर्गी हालत हो जाए उगल के न चाटे थे। ओ शीश पे गर्द से आछाई जो होते अच्छे भागे बिछड़ती क्यों फिर जन्माई। ओ चले रोते दोनों भाई कौन सुने फरियाद जहां हो हक में न्याई। ओ चले रोते दोनों भाई। इस प्रकार से रूप बसंत दोनों नगरी से बाहर हो लिए तो रूप कंवर कहता है अपने छोटे भाई से कि बसंत तुम तो घर जाओ, ये मेरे सिर पर ही करड़ाई है, इसको मैं ही झेलूंगा, तुम जाकर के आराम से महलों में रहो। समझाता हुआ बसंत को क्या कहता है, लेकिन बसंत क्या जवाब देता है। जा भैया बसंत करिए पिताजी की अच्छी टहल, जोड़ा आज भी छड़काया कहाँ तक चलेगा गैल, इतने दिन के लिए लिखी बेमाता ने करनी सैर, इतने दिन के लिए लिखी बेमाता ने करनी सैर। वहाँ फला कैसो ये राजा काटे बाहर जा लिए, सुबस नगर बस है तेरा अपनी प्रजा पालिए, राजा रानी सुखते रहियो घी के दीपक बालिए, राजा रानी सुखते रहियो घी के दीपक बालिए। ओ करो कोई लाखों चतुराई राम रतन लाचार कर्म की सह पर बलताई। ओ चले रोते दोनों भाई कौन सुने फरियाद जहां हो हक में अन्याई। ओ चले रोते दोनों भाई चले रोते दोनों भाई। इस प्रकार से हीर व रांझे दोनों के बीच में आपस में खूब प्यार भरी बातें हुई। और दोनों ने आजीवन साथ निभाने की कसम उठाई। बारात विदा होकर तख्त हजारा चली आई और रांझा भी चला आया, लेकिन उसे रह रहकर हीरे की याद सताती रही। उसका मन कहीं भी नहीं लगता था। रांझे को कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल तो जंगशाले में ही रह गया हो। और इस बीच में क्या होता है कि हीर के पिता छूछक की मृत्यु अचानक हो जाती है। अब तो रांझा सोचता है कि पता नहीं अब शादी होगी भी या नहीं। उसे हर समय हीर की ही प्यारी सलोनी छवि दिखाई देने लगी। रात में उसको एक दिन स्वप्न दिखाई दिया और सपने में हीर ने आकर के उससे खूब प्यार भरी बातें की। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो बहुत ही उदास था और उसकी बेचैनी इस कदर बढ़ी कि जैसे मृग की कस्तूरी कहीं खो सी गई हो। किसी से भी उसने बात नहीं बताई। उसका दोस्त उससे उदासी का कारण पूछता है तो कहने लगा कि चैन इस दिल को ना एक दिन उसके बिन मिला, चैन इस दिल को ना एक दिन उसके बिन मिला, दिन गया रात हुई रात गई दिन निकला, लगी है चोट कलेजे में, लगी है चोट कलेजे में उम्र भर के लिए, तरस रहे हैं मोहब्बत में एक नजर के लिए। और फिर रांझा सपने की बात बताता हुआ अपने दोस्त से क्या कहता है। के जिक्र सुनाऊं जाती न बात बताई रे, के जिक्र सुनाऊं जाती न बात बताई, आज रात मन सपने के माँ देखी हीर दिखाई रे, के जिक्र
मर जवानी में भरपूर देखी जापानी सी गुड़िया प्यारी जो बन के माचूर देखी देख के दिल गाल हो गया सूरज जैसी हूर देखी देख के दिल गाल हो गया सूरज जैसी हूर देखी छोटी छोटी जुलम सिर पे फैशन में रही चाले पहाड़ काबुल की सा छुआरा प्यारा मोरनी सी लंबी नाड़ गोल गोल मुंह बटवा सा देखूं आंख फाड़ फाड़ गोल गोल मुंह बटवा सा देखूं आंख फाड़ फाड़ सहज सहज सी चल थी सहज सहज सी चल थी चल चल पर की मुर्गाई के चित्र सुनाऊं चाची ना बात बताई आज रात मन सपने के माते मीन दिखाई रे के चित्र सुनाऊं चाची ना बात बताई हंस हंस के बतावन का ता सिर मार गया गोरी का झुकी झुकी सी नैनो का मन तीर मार गया गोरी का फर फर करता उड़े हवा में चीर मार गया गोरी का फर फर करता उड़े हवा में तीर मार गया गोरी का मैन का विश्वामित्र का जान दिगावन आई रे विश्व मोहिनी विष्णु कैला बिहार चावन आई रे जन शकुंतला दुष्यंत से ती प्यार जतावन आई रे शकुंतला दुष्यंत से ती प्यार जतावन आई रे मीठी मीठी बात करे थी मीठी मीठी बात करे थी हंस हंस के बतलाई के जिक्र सुनाऊं जाती ना बात बताई आज रात मन सपने के वादे नींद दिखाई रे के जिक्र सुनाऊं जाती ना बात बताई किसी परी सी रे तपे आग में सोना जैसे असली चीज खरी सी रे लहराती बलखाती हंसती लागे फूल जड़ी सी रे लहराती बलखाती हंसती लागे फूल जड़ी सी रे न्यू बोली तू सिद्धि भोला मैं तेरी सू पार्वती तू बन जाने कामदेव और मैं बन जाऊं नारती तू मेरे लिए खे राजा नल और मैं तेरी सू दमयंती तू मेरे लिए खे राजा नल और मैं बन जाऊं दमयंती दे माता ने फुर्सत के जाना से मैं बोला तेरे संग में हीरे मन ने प्यार चाना से वा बोली मैं राजी सूतन जंग साले मैं आना से वा बोली मैं राजी सूतन जंग साले मैं आना से कौन हीरे बिन करे दवाई ऐसी चोट लागी रे किसी ढाल भी नहीं बुझेगी ऐसी आग जागी रे करमपाल की ओर लखा के भर के रफल दागी रे करमपाल की ओर लखा के भर के रफल दागी रे भला रामपाल जब आंख खुली तो रामपाल जब आंख खुली तो फेर नजर ना आई के जिक्र सुनाऊं जाती ना बात बताई आज रात मन सपने के माते की नींद खाई रे के जिक्र सुनाऊं जाती ना बात
सोनोटेक 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 कैसेट्स कंपनी सोनोटेक कैसेट्स कंपनी यूपी हरियाणा व राजस्थान में जिसके नाम की धूम मच रही है वही तो है सोनोटेक कैसेट्स कंपनी सोनोटेक कैसेट्स जिसमें आप सुनेंगे चटपटी रागनिया चटपटी रसिया व धार्मिक किस्से सोनोटेक कैसेट्स जिसके सदाबहार गायक कलाकार हैं कोशिंदर ऋषिपाल करमपाल व मंजू शर्मा साथ में सुनीता पांचाल व ब्रह्मपाल नागर की दिलकश आवाज ज्ञानेंद्र शर्मा व पंडित राम अवतार शर्मा की दमदार आवाज का जादू सुनिए सोनोटेक कैसेट्स पर दिल को छू लेने वाला संगीत जब आप सुनना चाहें तो सिर्फ सोनोटेक कैसेट्स ही लाएं सोनोटेक 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 कैसेट्स कंपनी जिसका वादा है आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत कैसेट्स देने का याद रखिए तो सिर्फ सोनोटेक कैसेट्स नए नए नंबर सत्संगी कीर्तन भजन व नाटक यूपी हरियाणा व राजस्थान में धूम मचाने आ गई सोनोटेक कैसेट्स कंपनी सोनोटेक कैसेट्स कंपनी घटिया कैसेट से सावधान रहिए घटिया कैसेट्स आपके कीमती टेप रिकॉर्डर को खराब कर सकते हैं जब भी खरीदिए सोनोटेक कैसेट्स ही खरीदिए डिजिटल रिकॉर्डिंग के साथ जब भी खरीदिए सोनोटेक कैसेट्स ही खरीदिए याद रखिए सोनोटेक कैसेट्स कंपनी की सोनोटेक कैसेट्स सोनोटेक कैसेट्स